बच्चों को उठा के लाके। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी धमकी देने वाले महर्षि लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनिदास के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भड़काऊ भाषण के बावजूद सीतापुर पुलिस अब तक बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यही वजह है कि अब जिले की मुस्लिम महिलाएं बजरंग दास के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले महंत मुनिदास ने एक शुभ यात्रा के दौरान मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि मैं आपसे पूरे प्यार से कह रहा हूं कि अगर खैराबाद में एक भी हिंदू लड़की को छेड़ा गया तो मैं आपकी बहू बेटी को आपके घर के बाहर लाऊंगा और फिर उसके साथ बलात्कार करूंगा। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा। बजरंग मुनिदास के इसी विवादित बयान के खिलाफ सीतापुर जिले की महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और बाबा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नारे के साथ महंत बजरंग मुनिदास गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने इन महिलाओं के प्रोटेस्ट की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सीतापुर में बहू बेटियों को खुलेआम बलात्कार की धमकी देने वाला सत्ता संरक्षित दंगाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। खैराबाद कस्बे की महिलाएं उस आरोपी के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। एक तरफ जहां बजरंग मुनिदास के खिलाफ महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए महंत बजरंग मुनिदास ने माफी मांग ली और कहा है कि अगर मेरी किसी भी बात से उन्हें ठेस पहुंची हो तो मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा मांगता हूं। मैं सभी नारी जाति का सम्मान करता हूँ। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। आपको बता दें, बलात्कार की धमकी देने वाले बजरंग मुनिदास की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में सीओसीटी को जांच के और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि थाना खैराबाद पर इस मामले को लेकर नियम के मुताबिक समुचित धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली गई है और मौजूद सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भले ही कार्रवाई का भरोसा दे रही हो, लेकिन आपको बता दें कि अब तक पुलिस महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं अब सड़क पर उतर कर गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। बहरहाल अब तक गिरफ्त से बाहर बजरंग मुनिदास के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे में इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।